रैली में शामिल हुए कश्मीरी नौजवानों ने नरेंद्र मोदी हुकूमत की तरफ से की गई कोशिशों की तारीफ की। उनका कहना था कि कश्मीर में अब कोई पथराव नहीं होता, कश्मीर में तरक्की देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि माजी में दीगर जमातों ने दहाइयों तक कश्मीरियों को सिर्फ धोखा दिया। मुझे आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशिक मंगराल है। कहाँ से आप आए हैं? LSC बारे से आए। तो किस तरह से आप आज यहाँ पर क्योंकि आए हैं, उत्साह दिखा रहे हैं, क्या उम्मीदें लगा रहे हैं? हमने यह उम्मीदें लगाई हैं 70 साल कांग्रेस की हुकूमत की, अब बीजेपी काम कर रही है, कांग्रेस को रोक रही है और इन्हें गठबंधन बनाया। इस गठबंधन को हमने तोड़ना है, इनको तड़ीपार करना है। और पीएम नरेंद्र मोदी जी की जीत फिर से होगी और 400 पार होगी और हमारा नारा कश्मीर से कमल खिलेगा। पहले MP बारामूला का बनेगा, कभी कमल दिखलाएंगे। ये चीज केवल भीड़ नहीं है, ये पैसे देकर बुलाए गई नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं और ये वोट डालेंगे। इंसान का बदला इंसान से देंगे। क्या कुछ तब्दीली आपने देखी बीजेपी के दौरे? ये देखो, ये लोग तब कहाँ थे जब कोई विकास कर गया, हिंदुस्तान का नाम सबसे ऊंचा चला गया। 9 साल में इनने गठबंधन बनाए, इन चोरों को तड़ी पार करो। बिल्कुल सर, जरूर बीजेपी आएगी और इंशाल्लाह इस बार 400 पार हो जाएगा और करके दिखाएंगे हम। और हमारी यही मैसेज है कि सब लोग उसे मोदी जी का सही से वेलकम। लखपति दीदी।